नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता डॉट कॉम किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैदे और सूजी का चीला बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही कम सामान में झटपट से बन करके तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बड़ों को तो पसंद आएगा ही, साथ ही साथ बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर के मैदा ले लिया है, उसको एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं ताकि सारी चीज़ें हम एक ही बर्तन में मिक्स करेंगे तो आसानी होगी हमें। इसी के साथ इसमें हम एक कटोरी भर के बारीक वाली सूजी डाल देते हैं। अब इसमें कुछ सब्जियां हम ऐड करेंगे। तो सब्जियों में मैंने लिया है यहाँ पर टमाटर, तो टमाटर को एकदम बारीक काट लिया है और उसका जो बीज होता है ना उसको हटा दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, बारीक कटा हुआ गाजर, प्याज ले लिया है। इन सभी सब्जियों को एकदम बारीक करके काट लिया है। थोड़ा सा आधा इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया है, जिसको कि कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नारियल डाल दूँगी, तो नारियल को भी बारीक करके काट लिया है। दो हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है। वैसे नारियल टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, पर इसको डालने से थोड़ा सा इसका फ्लेवर डोसे के जैसा आएगा, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है साबुत, इसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम आधा गिलास के करीब दही डाल देंगे। तो दही को हमें खूब अच्छे से फेंट करके लेना है, तो दही को मैंने पहले से ही फेंट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हमें बना करके तैयार कर लेना है और इसको खूब अच्छे से हमें फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। तो खूब अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का घोल मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो ये हल्का सा पतला है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो अब एक पैन ले लिया है, इसमें हम आधा चम्मच से भी कम तेल डाल देंगे और तेल को ना पैन में चारों तरफ फैला देंगे इस तरह से, ताकि पैन के बीच में हर तरफ तेल अच्छे से लग जाए। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम घोल डाल देंगे जो कि बना के रखा हुआ है। तो उससे पहले घोल को थोड़ा सा चला लेते हैं और इसको कलछी की सहायता से इस तरह से हमें फैला देना है। तो आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसको मीडियम साइज़ का बनाया हुआ है। तो कुछ ही देर के बाद में देखेंगे कि ऊपर से ड्राई हो जाएगा और ये नीचे से सिक जाएगा। तब उसके बाद में इसको हम पलट देंगे और पलट के इसकी दूसरी साइड भी हमें अच्छे से सेक लेना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो दोनों साइड से हमारा जो चीला है बहुत अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के जितने भी हमारे घोल हैं ना उसका हम एक ही तरह से चीला बना करके तैयार कर लेंगे। तो सारे घोल का चीला बन करके तैयार हो चुका है और ये बहुत टेस्टी बना है, झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। आप इसको किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और झटपट से हमारा मैदे और सूजी का चीला बन करके तैयार हो चुका है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।